दुकान पर बैठ चुके हैं और काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। गर्मी दिख रही होगी कि बस अभी हमारी रनवे स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट होने से पहले एसी नहीं चल सकता। सिटिंग स्टाइल ऊपर के स्लीपर है, हम लोग स्लीपर में हैं। इंशाल्लाह पहुंचते हैं रात में 2-2:30 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग नोएडा और 7:37 से उतर करके दिल्ली चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं गाइस फिर आगे, दिल्ली पहुंचने के बाद आप लोगों से बात करते हैं और अपना ब्लॉग देते हैं, कंटिन्यू हो जाएंगे हम अपने Thank you.
saw you, but now I won't come back around. स्लीपर पे है, मेरी अपर स्लीपर है, और देख लीजिए आपको कितनी ज़बरदस्त हवा लग रही है, क्या मज़ा आ रहा है। ए सी नहीं चालू करा है कि रात का हो रहा है ना, कल बहुत ठंडा है इधर, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया, तो ए सी उन्होंने नहीं चालू करा है, शायद और नहीं चल रहा, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह से, और काफ़ी ठंडा है, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती तो हम लोग ए सी चला लेते। ये आप देख लीजिए हमारा इतनी हाइट पे, आपको सब नज़र आ रहा होगा हाइट पे, हाईवे पे, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही मज़ा आता है। हमारी जर्नी शुरू है, मतलब कि रिटर्न जर्नी हमारी का सफ़ीपुर एक्सप्रेस वे से होते हुए आगरा, आगरा में हमारा स्टे होगा अभी ढाबे पे, और शेयर मार्केट में खाना वगैरह खाएंगे होटल में, और साथ में भी खाना है, देखते हैं कि इस घर वाला खाते हैं कि वहाँ से लेके खाते हैं, और फिर इंशाल्लाह अभी दो ढाई बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, हमारी गाड़ी मतलब पूरी गाड़ी हमारी साथ फैरियत के। हमने अपने मेरे शीशे खोल रखे हैं, विंडो हमारी खुली हुई है, विंडो मेरी खुली हुई है पूरी, हम बंद नहीं कर रहे हैं, बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा है, कहीं पर हवा गर्म है, कहीं पर ठंडी है। पड़ गई है ना गैस, पड़ गई है ना। हाँ तो गाइस हमारे वहाँ सीएनजी पड़ गई है बस में, और वो हम लोग अपना एंट्री कर रहे हैं अपने बस में, और बस से जाने के लिए रेडी होते हैं, उसके बाद में फिर आगरा पहुँचेंगे, आगरा में ढाबे पे रोकी जाएगी बस हमारी, और फिर वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, और खाने के बाद में फिर ढाबे पे रुकने के बाद में फिर चलेगी, तब हमारी जाके नोएडा उतरेगी, उतारेंगे वो हमको, और इसके बाद फिर ये शायद आनंद विहार जाती है, इसका स्टॉपेज आनंद विहार है, तो हम नोएडा में उतर जाएंगे अपने यहाँ के लिए, शाहीन बाग दिल्ली जाने के लिए।
गाइस हम ये आगरा में हैं, आगरा में आप लोग देख लीजिए, और ये पेठे की शॉप है, ये पेठे की बहुत बड़ी सी शॉप है, तो हम यहाँ से पेठा ले रहे हैं और सिस्टर साथ में हैं, तो बल्कि वही ले रही हैं, हम तो अपने ब्लॉग बनाने में लग जाते हैं और मेरी तो ब्लॉगिंग चल रही है। बस जब चाय इतनी घटिया मिली है, इतनी थकी हुई चाय मिली है, चाय बहुत ही गंदी टेस्ट की है, चाय तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है एक सेकंड के लिए भी हमें। तो बस यहाँ तक बारिश हुई है, शायद दिल्ली का जो तूफान था वो यहाँ तक आया है और काफ़ी गीला है यहाँ पर, पानी वानी बरस चुका है, लेकिन बहुत पहले करीब 4-5 बजे के टाइमिंग में आया हुआ होगा ना, तो यहाँ पर करीब 6 बजे आया होगा इस जगह पर, तो नॉर्मल है यहाँ पर, काफ़ी ठीक है। और तो चलिए चाय पी लेते हैं, वो घटिया सी चाय, और देखते हैं चाय हो सकता है हम फेंक भी दें उसको। ये पेठा ले रखा हमने, कोल्ड ड्रिंक